हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी अभी दोस्तों तीन नई अपडेट लेकर आ चुका हूं SGPGI लखनऊ की तरफ से। दोस्तों आप लोगों का आंसर के आ चुका है, इसके साथ ही आप लोग जो हैं अपना यहां पे आंसर की चेक कर सकती हो। दोस्तों आंसर की चेक करने के बाद जो है रिस्पॉन्स समरी भी आप लोग देख सकते हो, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, इन सभी की जानकारी आप लोग जो हैं रिस्पॉन्स समरी में देख सकते हो। तो अभी अभी तीन नई अपडेट आ चुका है, जिसमें ग्रीवेंस पोर्टल भी आप लोगों को लॉन्च कर दिया गया है। कोई भी शिकायत है तो आप लोग दोस्तों शिकायत कर सकते हो, किसी क्वेश्चन में अगर आपको शिकायत है तो क्वेश्चन पर आप लोग शिकायत भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है और आपने कौन सा क्वेश्चन सही किया है, कौन सा क्वेश्चन गलत किया गया है, किस क्वेश्चन पर आपको कितने नंबर मिले हैं, इन सभी की जानकारी आंसर की में दी गई है। साथ ही रिस्पॉन्स में भी आपको सारी जानकारी दी गई है। काफ़ी अच्छे तरीके से जो है SGPGI ने यहाँ पे आंसर की और रिस्पॉन्स कार्ड यहाँ पे जारी किया है। तो दोस्तों SGPGI नर्स भर्ती 2023, दोस्तों SGPGI की तरफ से 1974 पदों पर नर्सिंग की यहाँ पे परमानेंट भर्ती निकाली गई है, जिसका एग्ज़ाम यहाँ पे 22 मार्च को हो चुका है। दोस्तों 22 मार्च को एग्ज़ाम होने के बाद जो है आज है 24 मार्च, और आज आप लोगों का आंसर की आ चुका है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को सबसे पहले चलना है वेबसाइट पर, तो आपको लेके चलते हैं SGPGI की रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए नंबर वन, कैसे आंसर की चेक करना है, कैसे आपको ग्रीवेंस डालना है, कैसे आपको शिकायत करना है और कैसे आप लोगों को रिस्पॉन्स समरी देखना है, सभी की जानकारी दोस्तों हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। बिल्कुल अभी अभी 5 मिनट पहले ये अपडेट निकल के आ रही है, इसलिए मैं बहुत ही फास्ट जो है आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ, तो कुछ यहाँ पर गलती हो जाती है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। चलिए दोस्तों आपको लेके चलते हैं सबसे पहले वेबसाइट पर। दोस्तों पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, तो कुछ यहाँ पर वीडियो बनाते वक्त गलती हो सकती है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं SGPGI के रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर। तो दोस्तों अभी आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे SGPGI रिक्रूटमेंट वेबसाइट ओपन हो चुका है। दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट जो है आप लोग इस वेबसाइट पर आ सकते हो। यहाँ पर आओगे तो आप लोगों को सबसे पहले जाना है रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर। ये देखो यहाँ पे देखिए होम पेज है, और यहाँ पर भी दोस्तों आपको अपडेट मिल जाएगी। बाकी सबसे पहले हम आपको लेके चलेंगे रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रिक्रूटमेंट पेज जो है, तो यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट पेज ओपन हो चुका है। इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग इस वेबसाइट पर आइए। इस वेबसाइट पर आने के बाद जो है वेरीफाई कर लीजिए, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज SGPGI लखनऊ। यहाँ पर देखिए ये अपडेट आ चुका है, जिसमें सबसे पहले आपको जाना है एप्लीकेशन पोर्टल पर। उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए अप्लाई ऑनलाइन इस वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो ये आप लोगों का एप्लीकेशन पोर्टल यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर 22 मार्च 2023 एग्जाम डेट शो कर रहा है, और इसके आगे यहाँ पर देखोगे तो क्लिक हेयर टू लॉग इन फॉर रजिस्टर्ड यूजर्स। तो आप लोगों को यहाँ पर लॉग इन करना है, तो लॉगिन वाले ऑप्शन पे ही आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो एप्लीकेंट लॉगिन पेज यहां पे ओपन हो चुका है। दोस्तों यहां पे देखो कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन आ चुका है। सबसे पहले ध्यान से सुन लो आप लोग, अगर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं मिल पा रहा है तो आप लोग अपना मेल यहां पे देख लेना, इसके साथ ही आप लोग अपना दोस्तों मैसेज बॉक्स देख लेना, वहां पर जो है यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा, क्लियर है। इसके बाद देखिए सबसे पहले यूजर आईडी यहां पे देना है, पासवर्ड देना है, इसके बाद कैप्चा कोड देना है, फिर आप लोगों को लॉगिन कर लेना है। बाय चांस अगर आप लोग पासवर्ड जो है भूल चुके हो, फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स देना है, इसके बाद दोस्तों ईमेल एड्रेस यहाँ पर देना है, फिर आपको कैप्चा कोड फिल करना है, इसके बाद जो है गेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पासवर्ड को जो है रिसीव कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो चेंज पासवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग यूजर आईडी एंड ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड एंड पासवर्ड को कंफर्म करके कैप्चा कोड फिल करके पासवर्ड को चेंज यहां पे कर सकते हैं, क्लियर। तो चलिए मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूं, और लॉगिन करके फिर आपको रिस्पॉन्स कार्ड एंड आंसर की दिखाता हूँ।
इसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैंने यूजर आईडी एंड पासवर्ड फिल कर लिया है। पासवर्ड फिल करने के बाद कैप्चा कोड भी फिल कर लिया है। अब आपको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। तो जैसे आप लोग लॉगिन करोगे तो इस तरीके से यहाँ पे नई पेज ओपन हो जाएगी। और नई पेज ओपन होने के बाद दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है एक ऑप्शन शो करेगा, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ सबमिटेड सक्सेसफुल, पेमेंट इज सक्सेसफुल। इसके बाद आपको क्या करना है, इसे क्लोज कर लेना है। जैसे आप लोग क्लोज करोगे तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है, तीन ऑप्शन यहाँ पे शो करने लगेगा। पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है। नंबर टू, ग्रीवेंस पोर्टल यहाँ पे आ चुका है, यानी कि आप लोग शिकायत कर सकते हो। शिकायत के लिए ग्रीवेंस पोर्टल यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है। इसके बाद देखिए कैंडिडेट रिस्पांस का यहाँ पे ऑप्शन है। इसके आगे आप लोग देखोगे यहाँ पे ऑल का ऑप्शन है। इस पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो रिस्पॉन्स समरी का भी ऑप्शन आ चुका है। तो ये आपको तीन अपडेट मिलेगी। शिकायत आप लोग कर सकते हो, ग्रीवेंस आप लोग कर सकते हो, ग्रीवेंस आप लोग डाल सकते हो। नंबर टू, आंसर की चेक कर सकते हो। एंड नंबर थर्ड, रिस्पॉन्स समरी आप लोग रिपोर्ट देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ग्रीवेंस पोर्टल के बारे में। तो किसी क्वेश्चन पर अगर आप लोगों को शिकायत करनी है तो ग्रीवेंस पोर्टल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, प्लस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करके क्या करना है, शिकायत करना है। अगर आपको शिकायत करना है तो कैसे शिकायत करना है, कैसे आपको ग्रीवेंस डालना है, तो इसकी अलग से वीडियो आने वाली है। अभी कैंडिडेट रिस्पॉन्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो एग्ज़ाम डेट यहाँ पे शो कर रहा है, 22 मार्च 2023। स्टेट स्टाफ नर्स, क्लिक हेयर टू जनरेट। तो हेयर वाले ऑप्शन पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो ये नई पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जैसे पेज ओपन हो जाएगी, सबसे पहले देखिए थ्योरी ऑफ नर्सिंग नॉलेज के जो है 80 क्वेश्चन के यहाँ पर डिटेल्स दिए गए हैं, जिसमें यहाँ पे आप लोग प्रिंट भी ले सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन आईडी यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन टाइप दिया गया है, एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस है, स्टेटस यहाँ पे दिया गया है, आंसर किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन पर इन्होंने आंसर किया है और करेक्ट ऑप्शन इन्होंने 1 दिया है। और जो इन्होंने सेलेक्ट किया है कंप्यूटर एग्ज़ाम इनका जब हुआ था, सीबीटी मोड में एग्ज़ाम जब हुआ था, एग्ज़ाम में इन्होंने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे ऐड दिया गया। इस क्वेश्चन पर इन्होंने सेलेक्ट ऑप्शन 1 किया था और राइट आंसर भी ऑन है, तो इसलिए इन्हें जो है 1 मार्क्स का स्कोर दिया गया है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में जो इन्होंने करेक्ट किया है, 4 करेक्ट 4 है ऑप्शन, और इन्होंने दोस्तों सेलेक्ट कौन सा ऑप्शन किया था, 4 किया था, तो ये भी इनको 1 नंबर मिलते हैं। जहाँ पे इनके गलत है उन्हें 0 मार्क्स दिए गए हैं, 0 मार्क्स दिए गए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे नीचे आओगे तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नर्सिंग वर्क, नर्सिंग वर्क से दोस्तों यहाँ पे 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन के यहाँ पे इन्होंने जो है जो राइट आंसर है उसका ऑप्शन दिया गया है, जो आपने चूज किया है इसका ऑप्शन है। और आपको कितने मार्क्स मिले हैं, इन्हें जो है 1 मार्क्स मिले हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नर्सिंग वर्क में। इसके बाद देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नर्सिंग वर्क कोविड-19 में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से इन्हें अगर आप लोग काउंट कर लोगे तो यहाँ पे 1, 2, 3 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 10 में। तो इस तरीके से आप लोग 100 मार्क्स का चेकआउट कर लो, बाकी आपको बैक आना है। और बैक आने के बाद जो है आपको समरी रिपोर्ट मैं दिखा देता हूँ। इसके बाद दोस्तों जैसे आप लोग रिस्पॉन्स समरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से रिस्पॉन्स समरी का अपडेट आ जाएगा। नीचे दोस्तों कैंडिडेट का पर्सनल डिटेल्स है, जिसे मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, बाकी मैं आपको स्कोर यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों ऊपर आप लोगों का नेम होगा, नेम के साथ साथ आपका रोल नंबर होगा। इसके बाद डेट एंड शिफ्ट यहाँ पे दिया गया है, 22 मार्च 2023 को शिफ्ट 2nd में इनका एग्जाम हुआ है। क्वेश्चंस जो है टोटल क्वेश्चंस थे 100 और इन्होंने टोटल जो है 41 क्वेश्चन करेक्ट किया है और 59 क्वेश्चन इन्होंने इनकरेक्ट किया है। और टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन इन्होंने अटैम्प्ट किया है और नॉट अटैम्प्ट 0, यानी कि इन्होंने 100 के 100 क्वेश्चन यहाँ पे अटैम्प्ट किए हैं और 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद 41 क्वेश्चन इनके सही हुए हैं और 59 क्वेश्चन इनके गलत हो चुके हैं। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए इन्हें दोस्तों 100 में जो है 100 में 41 मार्क्स इन्हें मिला है। तो इस तरीके से आप लोग जो है नीचे अपनी कैटेगरी बताओ, आपके कितने मार्क्स हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, नीचे ज़रूर कमेंट कर देना। बाकी आप लोग क्या करिए, जल्दी से जाके अपना ग्रीवेंस यहाँ पे डाल दो। इसके साथ ही रिस्पॉन्स समरी आप लोग देख लेना और आंसर की आप लोग चेक कर लो। धन्यवाद।